एटीट्यूड ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है. तुम मेरी मुसलसल बेइज्जती किए जा रहे हो. जस्ट लीव. आपको सब आंटी को किसी तरह सॉरी कहना होगा. मैं असफर से शादी नहीं कर सकती. क्या हो गया, कोई परेशानी? रिबा ने साफ इनकार कर दिया. मैं सबा को क्या जवाब दूंगी? बाज़ कुछ ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं जिसका असर सिर्फ आप पे नहीं दूसरों पे भी पड़ता है. तलाल तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं है तो तुम उसके ख्वाब क्यों देख रहे हो? अगर तलाल ने मुझसे शादी ना की, उसने रिबा से शादी कर ली ना, तो मैंने जान दे दी ना. Thank you. ऐसे क्या घूर रहे हो? नहीं, ऐसे ही. मैं ये देख रहा था कि वक्त कितना बदल गया है. कभी हम इन गलियों में खेला करते थे. वक्त तो हर चीज़ बदल देता है. ये तो है. आज जल्दी वापस आ गए ऑफिस? हाँ, आज ज़्यादा काम नहीं था तो लंच के फौरन बाद घर आ गए. देखा था मैंने तुम्हें जहाँ तुम लंच कर रही थी. तुम भी वहाँ थे? नहीं, मैं वहाँ आ रहा था और आप लंच करके जा रही. कोई कुलीग भी था तुम्हारे साथ? हाँ, वो आपने उनको भी देखा? आहा, उनको? वो कॉलीग तो हैं ही, लेकिन वो मेरे सीनियर भी तो हैं. इनफैक्ट वो हमारी फर्म के सीनियर आर्किटेक्ट हैं. अभी उन्होंने घर भी मुझे छोड़ा. हाँ, वैसे काफ़ी सोबर और स्मार्ट हैं. वो तो हैं. मैरिड हैं? नहीं. तो ये बताओ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? काम 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 और बस काम. गुड, अच्छी बात है. कर लो जितना काम करना है. शादी के बाद कौन सा काम, कैसा काम? नीचे चले, मगरिब होने वाली है और तौसीफ भी घर आ रहा होगा. हाँ, शो. आप एक मिनट. हेलो, क्या? ओके, तुम एक काम करो कि कल इवनिंग की मीटिंग सेट करो. मैं आता हूँ सुबह की फ्लाइट से. ओके बाय. खैरियत? हाँ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है. उसने बहुत अरसे के बाद कल का टाइम दिया. मुझे अर्जेंट जाना होगा. चलो. और इंडिया आई अभी तक? आ गई है, लेकिन उसका मूड बहुत खराब है. हमारी बेटी की कोई फरमाइश पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए मूड खराब है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. ऑफिस से आई है और उसका मूड बहुत खराब है. मैंने तो उसको ऑफिस में काम करने के लिए इसलिए इजाजत दी थी कि वो खुश रहे, उसका वक्त अच्छा गुजरे. अगर वो स्ट्रेस ले रही है तो कोई जरूरत नहीं है उसे ऑफिस जाने की. आई थिंक हमें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही ऑफिस छोड़ देगी. क्यों, शौक खत्म हो गया? ये बात नहीं है, तलाल ने उसको तंग करके रखा हुआ है. वो बहुत अपसेट है उसकी वजह से. तलाल की वजह से? मैं जावेद से खुद बात करता. तलाल की हिम्मत कैसे हुई कि वो दफ्तर में मेरी बेटी को डाले? जाने दे, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है. नहीं, मैं अपनी बेटी की आंख में एक आंसू नहीं देख सकता. बाबर,
जल्दी से तुमने सामान बांध लिया? हाँ एकदम। आ जाऊंगी, क्या हो गया है? हाँ, अचानक प्रोग्राम बन गया तुम्हारा, थोड़े दिन और रुक जाओ ना, मेरा दिल नहीं भरा बिल्कुल भी। नहीं रुक सकती तहमीना, असफर को अर्जेंट दुबई पहुंचना है, कॉल आई है वहां से, और फिर मैं तो अगले ही हफ्ते फिर आने को तैयार हूँ, तुम एक बार हाँ तो करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सच्ची बताओ तहमीना, क्या बुराई है मेरे बेटे में जो तुम सोचने के लिए वक्त मांग रही हो? मैंने तो उसे दुबई से बुलाया ही इसलिए था कि तुम उसे देख लो और उससे बातचीत कर लो। ये बात नहीं है, माशाल्लाह वो बहुत नेक बच्चा है, तो मगर मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारी और असफर की मौजूदगी में मैं रिबा से बात नहीं कर सकती। बाद में आराम से पास बिठा कर बात करूंगी और जो वो कहेगी उसका मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। सबा, वैसे भी जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतनी जल्दी जा रही हो, मुझे दुख हो रहा है। आ जाऊंगी फिर जब बुलाओगी। इतना इंतजार किया पहले भी। क्यों गए? बहुत अच्छी धुन छेड़ी हुई थी, सोचा तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें सुनती रहूं। अच्छा ये बताओ, जब से मैं आई हूं तुम इतने खुश क्यों हो? ये आप कब आई है? मुझे तो पता भी नहीं चला। ये बात कहो, ये अल्लाह मियां का कितना बड़ा कमाल, ये माँ को कितनी बड़ी हस्ती बनाया। औलाद खुश होती है पता लग जाता है, औलाद अफसरदा होती है पता लग जाता है, भूख लगती है पता लग जाता है, तकलीफ में होती है पता लग जाता है। माँ जो हूँ, अच्छा अब जल्दी से बताओ कि इतने खुश क्यों, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है क्या? वाह, सवाल भी कर रही हैं, अंदाजे भी लगा रही हैं, एक बात कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नाराज हूँ तुमसे। अभी तो खुशी राजी थी, अब एकदम नाराज हुई, ये क्या बात है? भाई तुम्हें इतनी बड़ी कोई खुशी मिली है अगर तो मुझसे शेयर करो ना, एक फ्लूट लेके बैठ गए। देखिए मैं तो सिर्फ आपको खबर सुनाऊंगा, खुश तो आप मुझे करेंगे, मेरी बात मानो। तो कहो ना, जो कहोगे मानूंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो कल लंच टाइम पे मेरे ऑफिस आइए। सवाल नहीं करना है, बस अब आना है। ठीक है, आ जाऊंगी। थैंक यू। अच्छा क्या सुना? कोई चीज़ तुम सुना?
यार तौसीफ, एक बात है कि तूने जितनी मेहनत की है जिंदगी में, अल्लाह ताला ने तुझे उसका अजर भी दिया है और वो मकाम भी दिया। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यार मेरी इस मेहनत में ना खाला अम्मी की मेहनत भी शामिल है। अगर वो ना होती तो शायद मैं आज इस मकाम पे ना होता, और मैं जानता हूँ कि इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। फैक्ट। लेकिन यार ये क्या बात हुई, तुम अभी आए और बस अभी चल दिए, तुमसे तो बातें भी नहीं हो पाई। बस यार इमरजेंसी में जाना पड़ा है, इंशाल्लाह जल्दी आऊँगा। चल, हमारी नेक तमन्ना है तुम्हारे साथ, बस लड़की तुम्हारा साथ दे दे तो मजा आ जाए। हाँ ये बात भी है। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, कब शादी कर रहे हो? बस दो चार दिन में तुम्हारे जाते ही। क्या मतलब? अरे भाई मैं तो दो चार दिन में शादी करने वाला था, सोचा था तुम हो तो शिरकत कर लोगे, लेकिन अब तो तुम अचानक से जा रहे हो, अब इस चक्कर में मैं जल्दी थोड़ी कर सकता हूँ शादी। हाँ ये बात भी है, इसका मतलब है कि पूरी प्लानिंग है। भाई मैं हर काम प्लानिंग से करता हूँ। हाँ इस बात का अंदाजा मुझे हो गया चंद दिन यहाँ रह। चलो शुक्र है, तो अंदाजा तो हुआ, देर आए दुरुस्त आए। सर मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, सुबह फ्लाइट भी जल्दी है, अम्मी तो पता नहीं कब आएंगी वापस। तुम्हें सुबह जल्दी निकलना होगा ना? हाँ एग्जैक्टली 11 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचना। चलो ठीक है, टेक केयर, फिर सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। देखो फरी बेटा, देखो हर बात का कोई ना कोई रीजन होता है, जेन्युइन रीजन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पर मैं नहीं समझता कि तलाल बिना वजह तुम्हें एटीट्यूड देगा। तुम ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब दो। क्या सोच के जवाब दूं? बस दो से तीन मरतबा ऑफिस से घर आ गई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, उसी बात से ही क्वार्ट अपसेट। कहने लगा अगर काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आती क्यों हो, घर बैठ जाओ, ये भी भला कोई बात है कहने वाली किसी को? Who talks like that? तुम कल से कंपनी नहीं जाओगी, समझ गई? तुम समझता क्या है अपने आप को? दुनिया की कोई लड़की पसंद नहीं आएगी उसे, क्या आसमान से लड़कियां उतरेंगी उसके लिए? बेवकूफ। बाबा मुझे लगता है उसे कोई पसंद आ गई है। क्या? रिबा जी, उठो रिबा, देखना तौसीफ को क्या हो गया। क्या हो गया तौसीफ को? पता नहीं, वो आंखें नहीं खोल रहा। चले वो आओ, चलो देखो। एक सेकेंड, आ जाओ। अम्मी कहाँ लेकर जा रही है मुझे? कहीं नहीं लेकर जा रही मैं। इतना अंधेरा कर, बिजली चली गई है क्या? आहिस्ता तो चले। अरे क्या हो गया है? आप लोगों को याद था? याद था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Riba. Happy birthday to you. मैं भी सोचूं कब से गायब हो। हाँ इसने मुझे तुम्हारे कमरे के बाहर पहरेदार खड़ा किया था कि रिबा को पता ना चले, तो मैं वहाँ पे खड़ी रही थी और मैं बार बार देख रही थी कि रिबा उठ तो नहीं गई। चले तो भाई, तुम्हें पता नहीं कुछ ना कुछ अपना अपनी करता रहता है, अजीब सूझती है इसे। मेरी विश। काटू? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Reba. Happy birthday. Happy birthday. Thank you.
अच्छा भाई, 3 बज गए हैं। मैंने तुम्हारे साथ बड़े अच्छे तरीके से ये पार्टी सेलिब्रेट की है, अब मुझे नींद आ रही है, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे सोने दो, वरना मैं यहीं गिर जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। बेटा अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। जी थैंक यू बेटा, जीते रहो। क्लाउन लग रहे हो। क्या क्लाउन लग रहे हो? नहीं 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 प्लीज। इससे बेहतर है कुछ सुना ही दो, अपना गाना ही सुना दो। ओके सुबह कहाँ जा रही हो बेटा? ऑफिस जा रही हूँ मामा। बेटा कल तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मना किया था, फिर क्या जरूरत है जाने की? अगर नहीं जाऊंगी ना तो बेवकूफ लगूंगी। मतलब ये कि जब मैं खुश नहीं हूँ तो वो लोग खुश क्यों हूँ? मैं जाऊंगी ऑफिस और जाके उसके सर पर बैठूंगी, समझता क्या है वो खुद को? इस वक्त तो मुझे तुम स्टूपिड लग रही हो बेटा। अपनी एनर्जी इस तरह उस पे बेस करने की क्या जरूरत है? इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी फिर। आपको नहीं लगता कंपनी मुझे नहीं उन लोगों को छोड़नी चाहिए? मेरी तो इंसल्ट हुई है, मैं तो इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। मैं जाऊंगी ऑफिस और जा रही हूँ, बाय। जी जी बाबर साहब, फिर इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी दिल्ली पे। हाँ हाँ, सारा प्लान लेकर आऊंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, थैंक यू। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो आज। इन फैक्ट यू आर वेयरिंग माय फेवरेट कलर। मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है। ऑरेंज? ये तो मिंट ग्रीन है, या फिर आपको मिंट ग्रीन ऑरेंज नज़र आता है? नहीं नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ, बेसिक कलर्स लेकर मैं हज़ारों कलर्स बना सकता हूँ और उन्हें पहचान भी सकता हूँ। मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं, आपको सीक्रेटली मेरा ड्रेस बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मेरा बर्थडे गिफ्ट है। अगर मुझे अच्छा ना लगा होता तो मैं ना पहनती, अपनी अलमारी में इसको लटका देती और भूल जाती। अच्छा, किसने दिया ये बर्थडे प्रेजेंट? तौसीफ ने दिया, हर साल मुझे वो बर्थडे गिफ्ट देता है।
लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छा दे दिया। वो उसकी जॉब शुरू हुई है ना, तो सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। देखिए मुझे ऑरेंज क्यों नज़र आया? हो सकता है जो बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है उसकी वजह से लग रहा है ऑरेंज। तलाल मुझे हाशमी साहब के जाना है, उनके फंड्स आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हमारे। हाँ मैंने कर दिए थे, मैंने बता नहीं दिया। ओके ग्रेट। एक काम करो, अकाउंट से जाके इमरान साहब से मालूम कर लो, क्योंकि मैंने कह दिया था आई थिंक हो गए होंगे। चलिए ठीक है। तुम इतनी प्यारी लग रही हो, आज कोई खास बात है? कमाल करती हो फरीन, बचपन से हमेशा मुझे सबसे पहले विश करती हो तुम। तुम्हारी बर्थडे तो नहीं है? हैप्पी बर्थडे, आई एम सो सॉरी। थैंक यू तलाल, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। इतना ज़्यादा मुझसे काम कराते हो कि मैं अपनी दोस्त की बर्थडे तक भूल गई। अच्छा एक काम करते हैं, रात को कहीं खाने पे चले, ट्रीट मेरी तरफ से है। शुक्रिया। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। ये फरीन और रिफत के आप लोगों का अपना कमरा नहीं है, हर हमेशा यहाँ की बातें करते रहते हैं आप लोग अपनी। सभी एक्चुअली लाइक ईच अदर। अलैकुम मम्मी। हाँ हेलो रिबा। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। बेटा जल्दी आने की कोशिश करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो क्या हुआ मम्मी? बेटा वो सुबह सुबह हल्का बुखार था, दोपहर होते तक तेज़ हो गया, सर दर्द कर रहा है, आंखें भी जल रही हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत घबरा रही है। ओहो मम्मी मैं अभी आती हूँ, आप एक काम करें, आप थोड़ी हिम्मत करके दो ग्लास पानी पी लें प्लीज़, बस मैं अब भी निकल रही हूँ। हाँ अच्छा बेटा ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वसीम बेटा, वसीम। हाँ वसीम बेटा, तलाल साहब के ऑफिस में कोई मीटिंग तो नहीं चल रही अभी? वो तो ऑफिस से बाहर गए हैं किसी काम से। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, जब वो आएंगे तो उनको प्लीज़ बता देना। हाँ मेरी अम्मी की तबीयत नहीं सही। ठीक ठीक है, थैंक यू। अरे मम्मी आप? हाँ भाई तुमने आप कैसे आ गए? खुद ही तो इनवाइट किया था बेटा। अच्छा बैठे बैठे। शॉपिंग से फ्री हो गई तो सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। आखिर तुमने मुझे ऑफिस बुलवाया था तो कोई ख़ास ही बात होगी। अच्छा जल्दी से बताओ वो कौन सी ख़ास बात है? अब क्या ख़ास बात, चली गई वो। कौन चली गई? जिससे आपको मैंने मिलाना था, रिबा। रिबा कौन? रिबा मेरे ऑफिस में काम करती है लड़की। ऐसे तलाक ये कोई तरीका नहीं है कि जिस लड़की का मैं बरसों से इंतज़ार कर रही हूँ उसे मैं ऑफिस में देखने आऊँ। बेटा इस तरह नहीं होता है, हमें उसके घर जाना चाहिए, घर बार देखना चाहिए, पेरेंट्स से मिलना चाहिए। अभी मिलवा दूँगा आपको, घर भी चले जाएंगे हम लोग, मगर मैं चाह रहा था पहले एक नज़र आप देख लें उसको। वैसे मिली तो फिर भी नहीं ना तलाल, इतनी बड़ी मैनेजमेंट चला रहे हो लेकिन वीक हो बहुत। अच्छा बस ठीक है, हम रिबा के घर कल चाय पीने जा रहे हैं। डन? इतनी जल्दी? हाँ भाई। अच्छा मुझे तो चाय पिलवा दो, थक के आई हूँ। हेलो हेलो। हाँ दो अच्छी सी चाय बना के लाए और साथ कुछ खाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ तलाल।
बहुत खुश तुम्हारे इस डिसीजन से। थैंक यू। अम्मी जी, आप तौसीफ को फोन कर देती, आधे घंटे में आपके पास भागा भागा आ जाता। आपको पता है, अब तो उसको गाड़ी भी मिल गई है। नई नई नौकरी लगी है उसकी बेटा, काम छोड़ छोड़ कर भागेगा तो ऑफिसर उसे कमजोर कहेंगे। अम्मी इतना ना सोचा करें, ऐसी इमरजेंसी रोज रोज तो नहीं होती। आजकल गवर्नमेंट की नौकरी आसानी से थोड़ी मिलती है, सिफारिशों की लाइनें लगी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी जगह अच्छी जॉब पे है, इज्जत की जगह पे है। और यकीनन आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ और तौसीफ को भी फ़ोन कर देती हूँ, वो आकर आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। चले बेटे, जीती रहो बेटा। रिबा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। कितनी प्यारी है तू, कितना ख्याल रखती है। अरे आंटी, आप सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम इतनी देर तक काम कर रही हो, सारे लोग तो जा चुके हैं। वाकई तुम बहुत मेहनती हो। वेरी गुड। थैंक यू आंटी। आपने भी क्या कंपनी ज्वाइन कर ली है? बेटा ये मेरी कंपनी है, मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेस मैन है, तो ऑनरी चेयरपर्सन तो मैं ही हुई ना इस कंपनी की। फिर वैसे खैरियत तो है, तुम इतनी देर तक यहाँ क्यों रुकी हुई हो? क्यों, आपको मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा? कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या हो गया? वैसे तलाल को ना पूरे शहर में तुम जैसी सिंसियर एम्प्लॉय मिल नहीं सकती। आंटी ये ख्याल सिर्फ आपका है, तलाल का नहीं। तलाल तो पूरे शहर में अच्छे एम्प्लॉयज ही ढूंढता रहता है। अच्छा? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके चल, टेक केयर, बाय। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। किसका इंतज़ार हो रहा है भाई? कोई गेस्ट आने वाले हैं क्या? लगता है अभी भी आए ऑफिस से। मुझे खासी देर हो चुकी है और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मेरा के मम्मी का? मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं ऑफिस से शदीद स्ट्रेस लेकर निकला हूँ। जब से मेरी बाबर के साथ बात हुई है मैं कोई काम नहीं कर सका। बाबर भाई ने ऐसा क्या किया दिया कि आपने इतना स्ट्रेस ले लिया? एक मिनट, मुझे सब समझ में आ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समझ में आ गया? देखिए मैं सारे मसले की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अगर फरीन किसी के इमेज को तबाह करना चाहेगी ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो बहुत ही इमेच्योर लड़की है, जो बाबर अंकल और आंटी उसको मार्जिन देते कोई और शख्स नहीं दे सकता, ये बात उसे समझना चाहिए। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम कह क्या रहे हो। क्या मतलब क्या है? देखिए अगर बाबर अंकल को कोई मसला है, फरीन के साथ ऑफिस में आए, उससे बात करें, बात करने से मसले हल होते। बाबर ने जिस लहजे में आज मेरे से बात की है पहले कभी नहीं की। I'm really sorry about that, मगर उससे बड़े हैं वो, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको नहीं करना चाहिए था। Anyway, I'll talk to you. अच्छा मूड तो अच्छा कर ले आप। ओहो बहुत नाराज है भाई। बाबा Really? मैंने खुद सुना है मामा वो उसी को पसंद करता है। But, रिबा तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो उसे अब तक ये बात मालूम ही नहीं थी कि तुम तलाल को पसंद करती हो। फ्रेंड्स तो सारी बातें शेयर करती हैं बेटा।
मैं क्या शेयर करती जब तलाल की तरफ से कुछ था ही नहीं, और अगर वो शेयर करती तो वो मुझे बेवकूफ समझती, राइट? शक्ल से कितनी मासूम लगती है, मिडिल क्लास लड़कियां ऐसे ही ऊंचा हाथ मारती हैं, क्योंकि लग्जरी लाइफ एंजॉय करने का यही एक शॉर्टकट है। क्या तकलीफ है तुम्हें तौसीफ? मैंने कहा ना मैं बात कर रहा हूँ। तौसीफ इतना अच्छा लड़का है, लेकिन जो भी हो आंटी, तलाल के स्टेटस का तो नहीं है। परी को जरूरत क्या थी उससे दोस्ती करने की? अपना स्टेटस और अपने बाहर वाले से दोस्ती करनी चाहिए। प्लीज दूसरों को डिग्रेड ना करें। इतनी चालाक लड़की से तो कोई बेईद नहीं है कि वो मेरा बेटा ही मुझसे छीन ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस घटिया काम के लिए फोन करने की? साहब के बहुत भरम हो गए।